वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशनल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लिपिड क्या है और लिपिड को वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। लिपिड की परिभाषा देखते हैं। लिपिड प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वसा जैसे पदार्थ के समूह हैं, अर्थात वसा जैसे पदार्थ के समूह हैं जो कि जल में अविलेय किंतु वसा विलायकों जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि में विलेय होते हैं। अब लिपिड के प्रकार हैं। लिपिड मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला साधारण लिपिड, दूसरा संयुक्त लिपिड और तीसरा उत्पन्न लिपिड्स। साधारण लिपिड्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला वसी अम्ल, दूसरा उदासीन वसा एवं तेल, तीसरा मोम। उसी प्रकार संयुक्त लिपिड के चार प्रकार होते हैं। पहला है फॉस्फोलिपिड, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड, तीसरा है लिपोप्रोटीन और चौथा है क्रोमोलिपिड। तो पहला है साधारण लिपिड्स, यह ग्लिसराल तथा वसी अम्लों के एस्टर होते हैं। साधारण लिपिड में पहला है वसी अम्ल, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल होते हैं जो 2 से 24 कार्बन परमाणु रखते हैं, अर्थात 2 से 24 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसमें एक कार्बोक्सिल समूह भी पाया जाता है जो पानी में विलेय होता है। इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह पानी में विलेय होते हैं। इसमें नॉन पॉलर हाइड्रोकार्बन पूछ या चैनल्स भी पाए जाते हैं जो केवल कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। दूसरा है उदासीन वसाएं और तेल, इसमें ट्राइग्लिसराइड को उदासीन या वास्तविक या प्राकृतिक वसाएं कहते हैं। ये एस्टर होते हैं जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ग्लिसराल तथा वसा अम्लों के तीन अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तीसरा है मोम, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स और वसा अम्लों के एस्टर होते हैं। इसमें एक अणु उच्च भार वाले एल्कोहल का तथा एक अणु वसा अम्ल का होता है। मोम का गलनांक उच्च होता है। वसा को पचाने वाले एंजाइम लाइपेज की मोम के ऊपर कोई क्रिया नहीं होती, अर्थात लाइपेज एंजाइम मोम का पाचन नहीं कर सकते, इसलिए ये भोजन का महत्वपूर्ण भाग नहीं बनाते हैं। दूसरा है संयुक्त लिपिड्स, ये वे एस्टर होते हैं जो वसी अम्लों तथा एल्कोहलों के अलावा किसी अन्य रेडिकल्स के एस्टरिफिकेशन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है फॉस्फोलिपिड्स, वे लिपिड्स कहलाते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, अर्थात फास्फोरस उपस्थित होता है। ये सभी जंतु एवं पादप कोशिका में पाए जाते हैं किंतु जंतु के मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतक में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड्स, ये वे लिपिड्स होते हैं जिसमें वसी अम्लों के अतिरिक्त नाइट्रोजन व कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, अर्थात नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। ये स्प्लीन तथा अंडे के पीले योग अर्थात पीले भाग में पाए जाते हैं। तीसरा है लिपोप्रोटीन्स, ये वे वसा हैं जो प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, अर्थात इसमें प्रोटीन उपस्थित होते हैं। चौथा है क्रोमोलिपिड्स, ये वे लिपिड्स हैं जिनमें कैरोटीन तथा अन्य संबंधित रंजक पाए जाते हैं। कैरोटीन एक रंजक होता है जो जंतु के शरीर में वसा के रूप में एकत्र होते हैं या संचित रहता है। तीसरा है उत्पन्न लिपिड्स, ये सरल एवं जटिल लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं या जल अपघटन के बाद उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें स्टीरिड्स ही सबसे महत्वपूर्ण उत्पन्न है। स्टीरिड में स्टीराइड एवं स्टीराल्स शामिल होते हैं तथा ये जंतु व पादप अर्थात पेड़ पौधों में बहुत मात्रा में मिलते हैं या अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये लगभग मोम जैसा होता है तथा वसी अम्ल के एस्टर एवं स्वतंत्र दोनों रूप में पाए जाते हैं। जंतुओं में ये कोलेस्ट्रॉल एवं स्टीराइड के रूप में पाया जाता है तथा यह पादप में या पेड़ पौधों में एर्गास्टेरॉल, स्टिग्मेस्टेरॉल एवं साइटोस्टेरॉल के रूप में पाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।